हेलो एवरीवन, दिस इज दीपांजलि एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम इंडिया। बच्चों, हम लोग क्लास नाइन्थ की केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर दैट इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें कि आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है डाल्टन्स एटॉमिक थियोरी। इससे पहले हम लोगों ने कुछ लॉज को डिस्कस कर लिया था और उससे पहले हमने जानी थी हिस्ट्री, जिसमें कि हमने देखा कि बहुत सारे फिलोसोफर्स थे, साइंटिस्ट थे, जिन्होंने बताया कि मैटर जो होता है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। तो वो जो मैटर है वो छोटे छोटे माइन्यूट से पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है एंड दोज पार्टिकल्स आर एटम्स। यानी एटम्स होते हैं बेसिक यूनिट किसी भी मैटर की, और फिर वो एटम आपस में कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं। तो ये हम लोग प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं। जिसने भी वो वीडियो अभी तक नहीं देखा, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ आप लोगों को मिल जाएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो थोड़ा सा आगे रहेगा, यानी कि एटम के बारे में तो हमने जान लिया, जो फिलोसोफर्स ने हमें बता दिया। तो सबसे पहले उस एटम को और ब्रॉडली किसने डिफाइन किया था, तो वो हम आज के इस थ्योरी में पढ़ेंगे। तो वो कौन थे? जॉन डाल्टन। 1808 में इन्होंने एटम के कॉन्सेप्ट को बताया, यानी पूरी प्रॉपर्टीज जो एक एटम के बारे में बताती हैं, उस स्टार्टिंग जो की थी तो इन्होंने ही वो स्टार्टिंग की थी एटम को डिस्कस करने के लिए। तो ये थ्योरी हम लोग देख लेते हैं। तो जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग कर लीजिए, साथ में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए, ताकि डेली अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। तो शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास। तो इन्होंने कहा था, जैसा कि हम लोग पहले से भी जानते हैं, कि जितनी भी मैटर होती है, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी इनडिविजिबल। इनडिविजिबल यानी कि जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो एटम हम बेसिक यूनिट बोल रहे हैं, यानी कि उससे फर्दर हम उसको डिवाइड ही नहीं कर सकते हैं। तो इंडिविजुअल पार्टिकल्स, जिसको हम क्या कहेंगे, एटम्स, एंड कॉल्ड एटॉमिक थ्योरी। यानी कि इसमें जो इन्होंने थ्योरी में प्रेजेंट किया, वो बताया कि जितनी भी मैटर होती है हमारे आसपास, वो छोटे छोटे वेरी टाइनी, जिसको हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, तो ऐसे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। पार्टिकल बोले तो एटम से मिलकर बनी होती है, जो कि इनडिविजिबल होते हैं, इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो अपनी बेसिक जो उनका बात थी, अपनी थियोरी की, वो बेसिक लाइन यही थी, ठीक है। इसके बाद उन्होंने कुछ पोस्टुलेट दिए, यानी कि इसी को ही और ब्रॉडली डिफाइन किया, जिसमें कि हम एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो इन्होंने लाइन बोली, अपने ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग, ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल, जिनको क्या कहा गया, एटम। बिल्कुल, हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, मैटर है छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होगा, और उन छोटे पार्टिकल्स को हम लोग एटम कहेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज, एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड। यहां हम लोगों ने यही बात बताई है कि एटम जो है वो इनडिविजिबल है। हालांकि ये डिवाइड हो सकता है, यानी कि अब हम लोग जो आजकल मॉडर्न में पढ़ते हैं, वो हम लोग जानते हैं कि एटम जो है वो अगर हम उसको डिवाइड करेंगे तो उसका न्यूक्लियस होगा, उसके चारों तरफ क्लासेस होंगी, शेल्स जिसको हम लोग बोल सकते हैं, उनमें न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन उस वक्त में जब इन्होंने दी थी ये थियोरी, इस वक्त में ये कॉन्सेप्ट रहा कि एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते। हालांकि आज पता चला है कि वो डिवाइड हो सकता है, ठीक है, लेकिन जब तक ये नहीं आता तो आज का कैसे पता चलता, ठीक है। तो कोई भी जो गलत धारणा होती है, पहले वो आती है, उसके बाद उसको सही करने के लिए प्रेजेंट होती है। और जरूरी नहीं कि जो हम लोग साइंस में आज पढ़ते हैं वो हमेशा वही रहेगा सही। जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, कोई और आएगा साइंटिस्ट और उसको गलत प्रूव करके अपनी कुछ थ्योरी प्रेजेंट करेगा। तो ऐसे ही इनकी भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं, जो हम लोग आगे लेटर पढ़ेंगे। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट इज, एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। अच्छा, ये लाइन हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। हमने लॉ पढ़ा था फर्स्ट, जिसमें कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था, जिसके अकॉर्डिंग जो मैटर होता है, ना तो वो क्रिएट हो सकता है और ना ही वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन में मैटर को ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है और ना ही वो क्रिएट होता है, ठीक है। ये हम लोग प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं। तो ये वाली लाइन जो है, ये डिस्क्राइब करती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को अच्छे से डिस्क्राइब करती है। तो यही उन्होंने बोला, डाल्टन ने, और यही लेवोसियर ने अपने लॉ में बोला था, ठीक है।
तो नेक्स्ट पॉइंट इज देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ एटम. जो एटम होते हैं वो वेरियस काइंड के होते हैं. ठीक है, हम लोग अपने चारों तरफ देखेंगे तो हमें आयरन दिखाई देता है, मेटल में अगर हम कहें गोल्ड दिखाई देता है, ठीक है, सिल्वर होता है. इसके अलावा जो गैसेस हैं वो हम लोग अपना नाइट्रोजन गैस के बारे में पढ़ते हैं, ऑक्सीजन के बारे में, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जितनी भी मैटर होंगी सबका अपना अलग अलग एटम होगा. ऐसा नहीं कह सकते कि नाइट्रोजन जो गैस है उसका एटम और आयरन जो मेटल है उसका एटम सिमिलर होगा, नहीं होगा ऐसा. ठीक है, तो अलग अलग तरह के जो मटेरियल है और उनका जो एटम है स्टार्टिंग पॉइंट वो भी अलग अलग होगा, वेरियस काइंड्स का होगा. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज ऑल द एटम ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल. हाँ, लेकिन एक एलिमेंट के जो एटम्स होंगे वो आइडेंटिकल होंगे, वो एक जैसे होंगे. अगर हम खाली आयरन की ही बात करें तो आयरन में जितने भी होंगे, ठीक है, जितने भी उसके एटम होंगे वो सारे एक ही जैसे दिखाई होंगे. हालांकि साइज में थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है लेकिन सिमिलर होंगे. नाइट्रोजन के जितने भी एटम होंगे सब सिमिलर होंगे, ऑक्सीजन के जितने भी होंगे सब सिमिलर होंगे. तो एक ही के जो होंगे वो सारे के सारे आइडेंटिकल होंगे. उनका जो मास होगा वो भी सेम होगा, साइज होगा वो भी सेम होगा. और हाँ, जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं यानी किसी के साथ कैसा बिहेवियर है वो भी सिमिलर होगा. ठीक है, आयरन का आप एक टुकड़ा लो तो उसके आप रिएक्शन कहीं से भी कराओगे, उसका जो एटम है कितने किसी भी पार्ट से तोड़कर अगर उसकी रिएक्शन कराते हो तो सिमिलर ही रिजल्ट आएंगे. ठीक है, ऐसा नहीं कि अलग से रिजल्ट आए. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज एलिमेंट्स कंबाइन एटम ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म कंपाउंड. बिल्कुल, यानी एटम आपस में कंबाइन होते हैं तभी तो क्या बनता है, कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है या मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है. हम लोग प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं, एलिमेंट्स आपस में या एटम आपस में ज्वाइन होते हैं और उससे फिर कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है. अब एटम तो बहुत छोटे हैं ना, हमने कहा ना उसको अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते हम लोग, हमें तो एक स्पेसिफिक माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी. तो हम जो अपने चारों तरफ जो मैटर देखते हैं वो तो काफी बड़ी बड़ी है. ठीक है, तो वो बहुत सारे मिलियन बिलियन ट्रिलियन एटम से मिलकर बनी होगी. ठीक है, ज्वाइन होके वो आपस में मिलते हैं, कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज द नंबर एंड काइंड ऑफ एटम इन अ गिवन कंपाउंड इज फिक्स. यानी किसी भी एक कंपाउंड में, कंपाउंड जैसे कि मैं एग्जाम्पल में वाटर ले लूं या फिर सॉल्ट ले लूं, तो ये जो कंपाउंड्स हैं इनमें नंबर ऑफ एटम वो फिक्स है. अच्छा, इससे आप लोगों को ये जो लाइन दी हुई है इससे आप लोगों को एक लॉ की याद आ रही होगी. प्रीवियसली हम लोगों ने दो लॉज पढ़े थे जिसमें कि फर्स्ट तो ये था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसके अकॉर्डिंग एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड. अब ये जो लाइन यहाँ पर आई है कि नंबर एंड काइंड ऑफ एटम इन अ कंपाउंड इज फिक्स, ये बात करता है दूसरे लॉ की. कौन सा लॉ? लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन. तो लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन की बात करता है, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन, जिसको हम लोग क्या भी बोलते हैं, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन. ठीक है, इसमें क्या बताया गया है कि किसी भी कंपाउंड में जो एटम प्रेजेंट रहते हैं वो फिक्स क्वांटिटी में, डेफिनेट कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन में प्रेजेंट रहते हैं. यहां पर हम लोगों ने रेशियो भी देखा था कि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या होता है, 1:8 होता है. तो इसी में ही रहेगा. ठीक है, फिक्स में हाइड्रोजन, अगर हम वाटर लिखेंगे ना, अगर हमसे कोई कहे कि वाटर का फॉर्मूला लिख दो, H2O ही लिखेंगे. हाइड्रोजन हमेशा 2 लिखेंगे, ऑक्सीजन 1 लिखेंगे. अगर हमने ये लिख दिया H2O2 तो वो गलत हो जाएगा, वो वाटर का नहीं बल्कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला हो जाएगा. तो ये जो फिक्स है किसी भी एक स्पेसिफिक कंपाउंड के लिए, उसमें प्रेजेंट एटम, जिनमें हम एलिमेंट भी कहेंगे, तो एलिमेंट्स जो प्रेजेंट रहते हैं वो फिक्स क्वांटिटी में प्रेजेंट रहते हैं, फिक्स उनका मास होता है. तो इनकी थियोरी से दो लॉज, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो पढ़कर आए हैं और लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन, दोनों ही क्लियर हो गए. एंड नाउ लास्ट पॉइंट इज एटम ऑफ सेम एलिमेंट कैन कंबाइन इन मोर देन 1:1 टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड. अब ऐसा नहीं है कि एच और ओ यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेंगे और सिर्फ वाटर का ही फॉर्मेशन करेंगे. हमने अभी भी पढ़ा कि H2O2 भी बना सकते हैं, खाली हाइड्रोजन भी हो सकता है, खाली ऑक्सीजन भी हो सकता है.
ठीक है, अगर हम सल्फर और जोड़ दें तो H2SO4 भी हो सकता है। यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन ने एक एसिड बना डाला, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो जितने भी एटम होते हैं यानी सेम एलिमेंट, जब वो कंबाइन होते हैं तो उनका जो कॉम्बिनेशन है वो एक से ज़्यादा तरीके से हो सकता है, और एक से ज़्यादा ही वो कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर अलग तरीके से कॉम्बिनेशन हुआ, यहाँ पर अलग तरीके से कॉम्बिनेशन हुआ। हाइड्रोजन के दो हैं, ऑक्सीजन के दो, तो हाइड्रोजन परऑक्साइड बन गया, यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड बन गया, एस जुड़ गया यहाँ सल्फर, यहाँ खाली हाइड्रोजन ही रहा आपस में कंबाइन होकर, यहाँ खाली ऑक्सीजन ही रहा। ठीक है, तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे जो जो डाल्टन ने अपनी इस एटॉमिक थ्योरी में प्रेजेंट किए। अब हम लोग बात करेंगे कुछ ड्रॉबैक्स के, यानी कि इन्होंने अपनी थ्योरी तो प्रेजेंट कर दी, हम लोगों ने इनके पोस्टुलेट भी पढ़ लिए। अच्छा, एक बार हम लोग फिर से जल्दी से क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो इन्होंने यही कहा कि जितना भी मैटर होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है जो इंडिविजुअल होते हैं, यानी एटम जिनको इन्होंने कहा, और इसी से ही नाम पड़ गया इनका कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, क्योंकि एटम के बारे में सबसे पहली थ्योरी प्रेजेंट करने वाले यही थे। ठीक है, कुछ पोस्टुलेट दिए, कुछ कुछ एजम्पशन उन्होंने प्रेजेंट की, जिसमें कि हम लोग देख चुके हैं कि पहला क्या है, मैटर जो होता है स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना है, एटम बोलेंगे, ठीक है, डिवाइड नहीं कर सकते उसको, इंडिविजुअल होता है, बिल्कुल ठीक है। एटम को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की यहीं से एक तरह से क्लैरिफिकेशन मिलता है। देन देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ एटम, अलग अलग तरह के एटम होते हैं इस पूरे अर्थ पर, हम अगर देखें तो बहुत तरह के एटम हैं। जितने भी एटम होते हैं एक गिवन कंपाउंड के वो आइडेंटिकल होंगे, है ना, अलग अलग के होंगे तो अलग अलग होंगे। जैसे कि अगर हम पेपर के और पेन के एटम की बात करें, भाई ये भी तो मैटर है तो एटम से मिलकर बना ही होगा, तो इनके अलग अलग होंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ होंगे इनके एटम। और अगर हम खाली पेपर की ही बात करें तो सिमिलर होंगे, एक ही कंपाउंड के सिमिलर होते हैं, अलग अलग जो होंगे उनके अलग अलग होंगे। ठीक है, एलिमेंट्स जो होते हैं वो कंबाइन होते हैं और उससे कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। नंबर ऑफ और काइंड ऑफ एटम जो होते हैं किसी भी कंपाउंड में, उनका फिक्स रेशियो होता है, फिक्स प्रोपोर्शन में ही जुड़ते हैं। इससे हमारा क्लियरिफाई हो गया था कौन सा लॉ, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन, डेफिनेट प्रोपोर्शन भी बोलते हैं जिसको। देन लास्ट वन पॉइंट था हमारा, एटम जो होते हैं सेम एलिमेंट के वो कंबाइन कई तरह से हो सकते हैं, जैसे जितनी तरह से वो कंबाइन होंगे उतने ही नए नए वो कंपाउंड बनाएंगे। ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन सिमिलर ही एक ही वे में कंबाइन होकर सिर्फ वाटर का ही फॉर्मेशन करें, नहीं, वो हाइड्रोजन परऑक्साइड भी बना सकते हैं, हाइड्रोजन गैस भी बना सकते हैं, ऑक्सीजन भी आपस में जुड़कर बना सकते हैं। तो आई होप आपको ये थ्योरी समझ में आई होगी, जिसको भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं ड्रॉबैक्स। ड्रॉबैक्स का मतलब होता है कमियां, ठीक है, क्या क्या कमियां रह गई डाल्टन की इस एटॉमिक थ्योरी में जो उन्होंने ये प्रेजेंट की थी। तो देखो, हमने अभी फर्स्टली पढ़ा था कि इंडिविजुअल पार्टिकल होता है एटम, यानी जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, पर आज हम लोग जानते हैं कि एटम जो होता है उसको हम डिवाइड कर सकते हैं अंडर स्पेसिफिक कंडीशन। अगर हम देखेंगे ना तो एटम में न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, प्रोटॉन्स भी होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो देखो, तीन पार्ट हो गए ना इनके, जबकि इन्होंने क्या कहा था कि नहीं हो सकता डिवाइड, लेकिन हो रहा है, तो ये एक कमी निकल आई। वैसे भी अगर हम एटम को देखेंगे ना तो एटम में दो पार्ट हैं जनरली, एक तो होता है न्यूक्लियस, ठीक है, और उसके चारों तरफ होती हैं शेल्स, ये शेल है। न्यूक्लियस में रहते हैं ये दो, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन होता है न्यूट्रल, यानी जिस पर कोई चार्ज नहीं होता, और प्रोटॉन होता है पॉजिटिव चार्ज वाला, जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो देखो, यहाँ पर दोनों है ना, न्यूट्रॉन भी है और प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन पर तो चार्ज ही नहीं है न्यूक्लियस में, और प्रोटॉन पर चार्ज है तो पॉजिटिव है। तो इस प्रोटॉन के पॉजिटिव चार्ज की वजह से पूरा ही न्यूक्लियस कैसे चार्ज वाला हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज वाला। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन्स, अब ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रहेंगे, तो ये होते हैं शेल्स में, ये क्लासेस भी बोलते हैं इसको, तो इसमें ये चक्कर लगाते रहते हैं कैसे चार्ज के साथ, नेगेटिव चार्ज के साथ, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पर एटम को हम लोगों ने फर्दर डिवाइड किया है किसमें, न्यूक्लियस और शेल में। न्यूक्लियस में होते हैं न्यूट्रॉन प्रोटॉन, शेल्स में होता है इलेक्ट्रॉन विद नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन विद पॉजिटिव चार्ज, एंड न्यूट्रॉन दैट इज न्यूट्रल विदाउट एनी चार्ज, ठीक है।
एक तो ये कमी निकल आई, दूसरी कमी क्या थी, इन्होंने कहा था कि जितने भी सेम एलिमेंट होते हैं ना, जो सिमिलर एलिमेंट होंगे और हम लोग कह सकते हैं एटम, उनका जो मास होता है वो सेम होता है। हम लोगों ने बात की थी अभी यही कि जितने भी सिमिलर होंगे वो आपस में आइडेंटिकल होंगे, हर एक प्रॉपर्टीज उनकी आइडेंटिकल होगी, ठीक है, एक जैसे एलिमेंट की। लेकिन ऐसा नहीं होता जनरली केसेस में। एग्जांपल से समझते हैं, जैसे हाइड्रोजन है वो इस अर्थ पर तीन फॉर्म में मिलता है। हाइड्रोजन तीन फॉर्म में मिलेगा। हाइड्रोजन नंबर वन पर है, यानी कि उसका जो एटॉमिक नंबर है, दो चीज़ें दी होती हैं हर एक एटम को हम लोगों ने, उसका एटॉमिक नंबर और उसका एटॉमिक मास, जो मास निकल कर आता है। तो ये जो हाइड्रोजन है इसका एटॉमिक नंबर वन होता है, ये भी वन है, एटॉमिक नंबर सबका वन सेम ही होता है, जो दिया है उसको वो उसी फॉर्म में मिलेगा। लेकिन एटॉमिक जो मास है वो इसका वन, टू और थ्री। यानी कहने का मतलब ये है कि एक ही एलिमेंट है, एक ही सिमिलर एटम के होंगे, लेकिन उनका जो मास हम लोग कैलकुलेट करेंगे ना, या इस अर्थ पर जो वो मिलते हैं, वो उनका मास अलग अलग हो सकता है सिमिलर एलिमेंट्स का भी। जबकि इन्होंने क्या कहा था कि आइडेंटिकल होते हैं, सिमिलर होता है मास भी, इन तीनों का ही वन वन होना चाहिए था, या टू टू होना चाहिए था, या थ्री थ्री होना चाहिए था। लेकिन है क्या, इसका वन है, इसका टू है, इसका थ्री है, ठीक है। तो सब ये ड्यूटीरियम, ये अलग अलग हाइड्रोजन के आइसोटोप्स, आइसोबार्स, हम लोग अभी आगे टॉपिक में पढ़ेंगे आइसोटोप और आइसोबार को, तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन के आइसोटोप हमें मिल जाते हैं, यानी मास एक ही तरह के एलिमेंट का एक जैसा नहीं हो सकता, बदल सकता है, इन शॉर्ट हम लोग ये बोलेंगे, ठीक है। और थर्ड जो ड्रॉबैक था उनका, वो इसका जस्ट ऑपोजिट, इन्होंने कहा था कि अगर डिफरेंट हुए ना क्या एलिमेंट या एटम, तो उनका जो मास है वो भी कैसा होगा, डिफरेंट होगा। खैर ये बात ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जो हमारा कार्बन है, ठीक है, वो दो फॉर्म में मिलता है। जैसे हमने देखा ना, यहाँ पर हाइड्रोजन तीन फॉर्म में मिलेगा इस अर्थ पर, जिसमें कि मास उसका अलग अलग होता है, अलग अलग जगह के अकॉर्डिंग कह सकते हैं हम लोग, प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग कह सकते हैं। अच्छा, कार्बन जो होता है ना, उसका एटॉमिक नंबर तो फिक्स है ना, वो सिक्स होता है। तो दोनों कार्बन जो है वो सिक्स है। ये कार्बन हमें मिलेगा जिसका मास है 12, और ये कार्बन मिलेगा जिसका मास है 14, ठीक है। यहाँ देखो अलग अलग हो गए, चलो सिमिलर है तो ये वाले रूल को फॉलो कर रहे हैं कि सेम होते हुए भी मास जरूरी नहीं कि सेम ही हो, ठीक है। अब हम नाइट्रोजन को देखें, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 7 होता है, एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक मास जो होता है वो 14 होता है। यहाँ पर देखिए, ये दो हैं जिसमें कि अलग अलग एलिमेंट हम लोग देख पा रहे हैं, एक है कार्बन और एक है नाइट्रोजन। कार्बन कोल देखा है आप लोगों ने, कोयला, और नाइट्रोजन जो हमारी जो गैस है सबसे ज़्यादा, नाइट्रोजन गैस ही है। तो कहाँ कहाँ कितना डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। लेकिन इनका जो मास है वो कितना है, इसका 14 है, इसका भी 14 है। है कैसे ये डिफरेंट एलिमेंट, मास कैसा होना चाहिए डिफरेंट, लेकिन है क्या डिफरेंट, नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि इनका जो थ्योरी इन्होंने प्रेजेंट की थी, उसमें जो इन्होंने कहा कि डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट मास, वो सही नहीं है। डिफरेंट एलिमेंट का सेम मास हो सकता है। तो ये कुछ, ये तीन ड्रॉबैक्स थे, यानी कमियां थी जो इनकी थ्योरीज में थी, इतनी पूरी थ्योरी में, उसको बाद में सही कर लिया गया। क्योंकि बाद में अभी आप लोग आगे पढ़ोगे तो बहुत सारी और थ्योरीज आएंगी, तो उससे आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, कौन कौन से ड्रॉबैक्स थे, क्या क्या इन्होंने अपनी थ्योरी में प्रेजेंट करना चाहा, और किस तरह से इन्होंने मॉडर्न केमिस्ट्री में एक तरह से जान डाल दी। क्योंकि मैटर की प्रॉपर्टीज जो कि शुरू होती हैं, कहाँ से शुरू होती हैं, वो एटम से ही शुरू होती है। तो एटॉमिक थ्योरी जो पहली प्रेजेंट की थी, वो इन्होंने ही प्रेजेंट की थी। और ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्होंने इसी में ही काम किया है, इन्होंने बायोलॉजिकल फील्ड में भी बहुत सारे काम किए हैं। अच्छा, कलर ब्लाइंडनेस के बारे में आपने पढ़ा होगा या पढ़ोगे हायर क्लासेस में। कलर ब्लाइंडनेस, जिसमें कि कलर के बीच में डिफरेंस
नहीं देख पाते, जनरली रेड और ग्रीन के बीच में तो नहीं देख पाते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जेनेटिकली उनमें ये बीमारी हो जाती है कि उन्हें रेड कलर तो ग्रीन दिखाई देता है, ग्रीन कलर रेड दिखाई देता है, और बहुत सारे कलर हैं जिनका मिक्सअप हो जाता है। तो उस बीमारी के बारे में सबसे पहले जो बताया था ना, वो जॉन डाल्टन ने ही बताया था, ठीक है। और बहुत सारे एटम्स के मास भी इन्होंने मेजर किए थे, कैलकुलेट किए थे। तो बहुत अच्छे एक तरह से साइंटिस्ट रहे हैं अपने टाइम के, और एक बहुत पुअर फैमिली में ये रहे। जो बुनते हैं ना, वीवर फैमिली थी इनकी, यानी कि बुनाई का काम किया करते थे। बहुत छोटा सा गांव था, सेल्फ स्टडी की इनके पापा ने, इनको खुद ही घर पे ही पढ़ाया। उसके बाद इन्होंने टीचिंग भी शुरू कर दी। तो इसी तरह से ये बेसिक से उठकर और इतने बड़े साइंटिस्ट बने कि आज हम लोग इनके बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको इनके बारे में जानकर, इनकी थ्योरी के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे, समझ में आया हो टॉपिक, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए।